हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्मांडा का फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज अपन इस वीडियो में सीए फाउंडेशन लॉ का एलएलपी एक्ट पढ़ने वाले हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये अपना फोर्थ यूनिट है सर। इसके बाद अपन को क्या पढ़ना है, कंपनीज एक्ट पढ़ना है, लास्ट रहेगा। उसके बाद अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, देखना है कि हमें केस लॉस कैसे अटेंड करना है और एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे पहचानना है। ठीक, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ पढ़ो। बहुत सिंपल और बहुत ईजी है सर एलएलपी एक्ट। आप फोकस करो, जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करो, और अगर नोट्स चाहिए तो फटाफट टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम चैनल का नाम है सर अरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो फटाफट चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बहुत सिंपल एक्ट है, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ये क्या बोलता है, पहले इसका बेस समझो सर। ये एक्ट ही क्यों आया है, ये एक्ट 2008 में आया है, तो इसका पहले बेस क्या है सर। अब बात ध्यान से सुनना सर। हुआ ये कि पार्टनरशिप में लिमिटेड लोग हो सकते हैं सर, मैक्सिमम 50 लोग, और पार्टनरशिप में लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। और अगर कोई पर्सन प्राइवेट कंपनी बनाने जाए तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 होता है। पर कंपनी बनाने में बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, पार्टनरशिप में इनसिक्योरिटी होती है क्योंकि सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, दोनों का मिक्सचर बनाया एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। आप बोलोगे सर क्या ये प्राइवेट कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के बेस्ट फीचर्स को मिला के बनाए? यस, दोनों के अच्छे फीचर्स को मिला के इन्होंने एलएलपी बनाया सर। बहुत सिंपल है, बहुत मजेदार है, ध्यान से सुनना। स्टार्ट करते सर, इंट्रोडक्शन देखो क्या बोल रहा है। द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन 9 जनवरी 2007 नोटिफाइड एलएलपी को नोटिफाई किया था। पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था 12 दिसंबर। जस्ट फॉर नॉलेज है सर, ये जस्ट फॉर नॉलेज है। ठीक है, एलएलपी में 81 सेक्शंस है और 4 शेड्यूल्स है। वेरी सिंपल, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल किस चीज से रिलेटेड है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर से रिलेटेड। सेकंड शेड्यूल है कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। थर्ड शेड्यूल है जहां पर प्राइवेट कंपनी को आप एलएलपी में कन्वर्ट करते हो। और फोर्थ शेड्यूल है सर अनलिस्टेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करते हो। इट मे बी ऑल्सो नोटेड दैट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपी। बट ऑब्वियसली बात है सर, अब एलएलपी के लिए अपना एक एक्ट है तो उनके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद देखो सर, एलएलपी से रिलेटेड क्या मीनिंग और कंसेप्ट दी हुई है, प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद अ लिमिटेड लाइबिलिटी। सर सबसे बेस्ट बात इसकी क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती थी, एलएलपी में लाइबिलिटी लिमिटेड है। इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेटिव बिजनेस व्हीकल दैट नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी एट अ लो कंप्लायंस कॉस्ट बट ऑल्सो इट्स पार्टनर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। सर जैसे आप ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, जैसे आप एग्रीमेंट बनाते थे पार्टनरशिप में, आपस में बैठ के एग्रीमेंट में चीजें लिखते थे, वैसे ही एलएलपी में भी होता है सर। आप आपस में बैठ के एग्रीमेंट्स लिखते हो, एग्रीमेंट में सब चीजें लिखते हो, सेम वही तरीका है। बट फायदा कुछ कंपनी जैसे है कि लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये कुछ फायदे हैं एलएलपी में। द एलएलपी इज अ, देखो एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी सर, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लेना। व्हाइल द एलएलपी इटसेल्फ विल बी लायबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ द इट्स एसेट, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर विल बी लिमिटेड। ये हम आगे डीप में पढ़ेंगे, ये जस्ट इंट्रो है सर, ये जस्ट इंट्रो है, इसको जस्ट ऐसे ही रीड करना है। सिंस एलएलपी कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड अ पार्टनरशिप स्ट्रक्चर, एलएलपी इज अ हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड अ पार्टनरशिप। और कौन सी कंपनी सर, प्राइवेट कंपनी। अब भी मैंने आपको बताया सर प्राइवेट कंपनी। अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखो सर, एलएलपी एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी हुई है। सबसे पहली डेफिनेशन है सर बॉडी कॉर्पोरेट की, बॉडी कॉर्पोरेट सेक्शन 2D। क्या बोलते हैं इन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में, देखो, इट मींस अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। सर अब 2013 हो गया कंपनीज एक्ट, ठीक है, एंड इंक्लूड्स क्या क्या चीजें एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट में आती है। देखो सर, आ एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, एक एलएलपी आ जाएगी, ठीक है। आ एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, सर फॉरेन एलएलपी की बात कर रही है, ठीक है, ऊपर वाला इंडियन एलएलपी था, ठीक। उसके बाद आ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, सर फॉरेन कंपनी की बात कर रहे, ये सब चीजें बॉडी कॉर्पोरेट में आ जाएगी। बट डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या नहीं आएगा, देखो, अ कॉर्पोरेशन सोल, अ सोल प्रोप्राइटर कभी नहीं आएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी सर। उसके बाद एनी बॉडी कॉर्पोरेट या एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी, वो भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। फिर बिजनेस वर्ड का मतलब हमें सर हमेशा से पता था, ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस या ऑक्यूपेशन,
सर ये कोई टफ नहीं है। डेजिग्नेटेड पार्टनर, सर ये एक नया टर्म है। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है? वेरी सिंपल है सर, पार्टनरशिप में अपन एक्टिव पार्टनर पढ़ते हैं, मेन पार्टनर होता है जो पार्टनरशिप फॉर्म में पूरा काम करता है। सर एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है सर? वेरी सिंपल, ये वो पार्टनर होता है जैसे एक्टिव पार्टनर है वैसे ही एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर है, ये पूरा काम देखता है सर। ठीक है, मींस एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच पर एज पर पर्सुएंट टू सेक्शन 7, अपन देखेंगे आगे। उसके बाद एंटिटी सर ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। फाइनेंशियल ईयर ये हम बहुत अच्छे से अकाउंट्स में सीखते हैं सर और बचपन से सीखते आ रहे हैं सर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, अगला देखो सर, फॉरेन एलएलपी बहुत सिंपल है सर। ऐसी कोई भी एलएलपी जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो और बिजनेस इंडिया में कर रही हो सर। ठीक है, फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी एग्रीमेंट, अभी अपन ये सब चीज देखेंगे सर। पार्टनर सर, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स होते हैं, एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है सर। वो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है जो मेन पूरे एलएलपी के काम को देखता है सर, जिसमें अपन पार्टनरशिप के केस में उसे एक्टिव पार्टनर बोलते थे। ठीक है, उसके बाद एक बात दी हुई है सर, देखो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अभी अपन ऊपर भी समझे कि सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी में एप्लीकेबल नहीं होता। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एलएलपी, मैंने ये आपको पहले बताया था सर। उसके बाद देखो सर, एन एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट मे बी अ पार्टनर इन एलएलपी, कोई इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी के पार्टनर बन सकते हैं सर। हाउएवर एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर, एक इंडिविजुअल कैपेबल कब नहीं होगा? अगर वो अनसाउंड माइंड का है या फिर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है या अप्लाई टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड इज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, वो अप्लाई कर चुका है कि मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। अगर कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड का है या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब जो अभी इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज नहीं हुआ है, या तो फिर ऐसा कोई पर्सन जो अप्लाई कर दिया कि मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, ये लोग एलएलपी के पार्टनर नहीं बन सकते। ठीक है, सिंपल सर। एलएलपी में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल, मिनिमम तो एटलीस्ट 2 पार्टनर्स चाहिए सर। क्या मैक्सिमम की कोई लिमिट है? नहीं, एलएलपी की यही बेस्ट बात है सर, इसमें मैक्सिमम पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ द एलएलपी इज रिड्यूस बिलो 2, अगर आपने 2 पार्टनर से किसी भी टाइम कम किया और अगर आपने 6 मंथ से ज्यादा काम कर दिया, तो उस केस में जो पार्टनर बचा है उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी सर। मैं आपको सिंपल समझाता हूं सर, मान लो एकदम एक एग्जांपल देता हूं सर। देखो एक्स और वाई, ये 2 पार्टनर थे एलएलपी में। ठीक है, इनकी एलएलपी थी। अब इनकी एलएलपी में मान लो वाई रिटायर हो गया या डेथ हो गई, चलो डेथ हो गई, तो अब बचा कौन? सिर्फ एक्स एक पार्टनर बचा। अगर मान लो एक्स ने 6 मंथ से ज्यादा ऑपरेशन चला दिया, किसी दूसरे पार्टनर को ऐड ही नहीं किया, क्योंकि एटलीस्ट 2 पार्टनर्स चाहिए, किसी दूसरे पार्टनर को ऐड ही नहीं किया, तो इस केस में एक्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, एक्स पर्सनली लायबल हो जाएगा सर, ध्यान रखना एक्स पर्सनली लायबल हो जाएगा, ये लिखा हुआ है सर। शैल बी पर्सनली लायबल फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 6 मंथ से ज्यादा, वो 6 मंथ में जितनी भी लाइबिलिटी होगी पूरी लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड हो जाएगी सर, उसको पूरा पर्सनली बियर करना पड़ जाएगा एक्स को, अपने एग्जांपल में एक्स को। ठीक है, उसके बाद सर अगला देखो सर, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है? वेरी सिंपल सर, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा? एवरी एलएलपी हैव एटलीस्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर हु आर इंडिविजुअल एंड एटलीस्ट 1 ऑफ देम शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया। सिंपल याद रखना सर, कोई भी एलएलपी में एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने की जरूरत है, जिसमें से एक इंडिविजुअल होना जरूरी सर। ठीक है, प्रैक्टिकली हु आर इंडिविजुअल्स एंड एटलीस्ट उनमें से एक कौन होगा? रेसिडेंट होगा सर, याद रखना रेसिडेंट, मतलब आप एक फॉरेनर को ले सकते हो बट एक का तो रेसिडेंट होना जरूरी है, दोनों फॉरेनर नहीं हो सकते सर। आप इंडियन एलएलपी बना रहे हो बट ऑब्वियसली बात है, अगर इंडियन एलएलपी में दोनों फॉरेनर हुए तो वो इंडियन एलएलपी कैसे हो पाएगी सर? ठीक है, इफ एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट और इन विच 1 or more पार्टनर्स आर इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल हु आर द पार्टनर ऑफ सच एलएलपी और नॉमिनीज ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। बहुत सही बोला है सर, अगर एक एलएलपी में 2 बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर एक एलएलपी में एक बॉडी कॉर्पोरेट और एक इंडिविजुअल है, तो इन्होंने बोला उस केस में सर ऐसे 2 इंडिविजुअल होना चाहिए जो डेजिग्नेटेड पार्टनर जैसे एक्ट करे।
क्योंकि इनका मेन पर्पस ये, भले आप बॉडी कॉर्पोरेट को पार्टनर बना लो उसकी बात इशू नहीं है, सर उस एलएलपी को चलाने के लिए हमें दो लोग चाहिए और कम से कम ये दो लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब ऐसे पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे एलएलपी में, एक्टिवली काम करेंगे, ठीक है। सर रेसिडेंट इन इंडिया किसे बोला जाता है? सिंपल है सर, ऐसा कोई भी पर्सन जिसका 182 डेज या उससे ज्यादा, नॉट लेस देन बोला है, तो मतलब 182 डेज या उससे ज्यादा अगर वो इंडिया में रहता है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर उस केस में उस पर्सन को क्या मान लिया जाएगा? रेसिडेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो सर करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ एलएलपी, देखो क्या दिया हुआ है सर, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, अब भी हम पढ़ के हैं सर, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट के फॉर्म पे होती है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है सर। अब आप समझो सर इस वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी होते हैं और प्लस ये आगे पॉइंट भी दिया हुआ है सर, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी वर्ड का मतलब होता है जहां पर एलएलपी और उसके पार्टनर्स अलग अलग होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, सबकी अपनी अपनी लीगल पहचान। मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूं सर, आराम से समझ आएगा, देखो ध्यान दो। मान लो एक्स वाई जेड एलएलपी है, ठीक है, एक्स वाई जेड एलएलपी है, इसमें तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड। सर ये एलएलपी जो है इसकी अपनी लीगल एंटिटी है, ठीक है, इसकी अपनी पहचान है सर, एक्स की अपनी पहचान है, वाई की अपनी पहचान है और जेड की अपनी पहचान है। ये यही बोल रहा है सर, यहां पर जो एलएलपी है उसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसकी जो पीछे पार्टनर्स है उनकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। सर आप बोलोगे एक बात बताओ, ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट कहां अप्लाई नहीं होता? वेरी सिंपल सर, अपन पढ़ क्या है सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, पार्टनरशिप, वहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट नहीं होता। जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने पार्टनर से रिप्रेजेंट होती है और उनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। बट एलएलपी में सर पार्टनर्स अलग है और क्या बोलते हैं एलएलपी जो है वो अलग है, दोनों अलग अलग है। सर क्या इससे फर्क पड़ता है? यस इससे फर्क पड़ता है, इससे फर्क ये पड़ता है कि ये तीन पार्टनर्स हैं, ये अपना एग्रीमेंट एंटर कर सकते हैं और अगर एलएलपी को कोई भी काम करना है तो एलएलपी अपने नाम से एग्रीमेंट एंटर करेगी, उन्हें पार्टनर्स की जरूरत नहीं है सर, उन्हें पार्टनर्स के नाम से एग्रीमेंट एंटर नहीं करना पड़ेगा। आपको सिंपल ये याद रखना है कि सर अगर सेपरेट लीगल एंटिटी है तो एलएलपी अपने नाम से एग्रीमेंट एंटर कर सकती है, पार्टनर अपने नाम से कर सकते हैं। अगर ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती तो दोनों फिर अपने एक ही नाम से एंटर करते कॉन्ट्रैक्ट। आया समझ? ये इंपॉर्टेंस होता है सर सेपरेट लीगल एंटिटी का। आगे कंपनी में तो ये और डीप में है सर, एकदम ध्यान रखना। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब जहां पर अपनी लीगल पहचान, तो एलएलपी की अपनी लीगल पहचान है, उसके पार्टनर्स की अपनी लीगल पहचान है, ठीक है। एलएलपी अपने नाम से प्रॉपर्टीज खरीद सकती है, अपने नाम से लाइबिलिटीज इंकर कर सकती है, उसे पार्टनर्स के नाम से लेना नहीं पड़ेगा या पार्टनर के नाम से इंकर नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब। उसके बाद देखो सर इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन। सर ये पॉइंट भी समझो सर, परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? वेरी सिंपल सर, मान लो अगर ये तीनों पार्टनर मर गए, डेथ हो गई तीनों पार्टनर की, तो सर क्या एलएलपी अभी भी चलती रहेगी? यस एलएलपी चलती रहेगी, इसीलिए तो इसको बोला गया सर सेपरेट लीगल एंटिटी है, एलएलपी चलती रहेगी चाहे उसके पीछे के पार्टनर्स मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी लीगल एंटिटी है इसकी, अपना लीगल अस्तित्व है, अपनी अलग पहचान है, इसीलिए ये अपना चलते रहेगी भले इसके पार्टनर्स की डेथ हो जाए। सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, पार्टनर्स आए जाए एलएलपी चलती रहेगी। उसके बाद अगला देखो सर म्यूचुअल एजेंसी। सर प्लीज ध्यान से देखना, ये पार्टनरशिप में भी हम समझे सर, बहुत ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप और इसमें डिफरेंस है सर म्यूचुअल एजेंसी में। होता यह है म्यूचुअल एजेंसी मतलब सर हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और दूसरा पार्टनर पहले पार्टनर का भी एजेंट है। सर दोनों पार्टनर प्रिंसिपल कैपेसिटी में भी एक्ट कर सकते हैं और एज एन एजेंट कैपेसिटी में भी एक्ट कर सकते हैं फर्म के लिए और दूसरे पार्टनर्स के लिए। यही होता है म्यूचुअल एजेंसी, अपन पार्टनरशिप में समझ के आए। एलएलपी में कंसेप्ट थोड़ा बदलता है सर। एलएलपी में क्या होता है प्लीज ध्यान से देखना, मान लो ये एलएलपी है और इसमें दो पार्टनर है एक्स और वाई। बहुत सिंपल है सर, सर एक्स जो है, प्लीज ध्यान देना सर, एक्स जो है वो एजेंट है एलएलपी का, एक्स जो है वो एजेंट है एलएलपी का और वाई जो है वो एजेंट है एलएलपी का, पर सर एक्स वाई का एजेंट नहीं है। यहां पर म्यूचुअल एजेंसी बदल जाती है एलएलपी के केस में। एलएलपी के केस में सर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं कहलाता, ठीक है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं कहलाता, इसीलिए तो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है सर। सर एक्स अपनी लाइबिलिटी के लिए लिमिटेड, मतलब अपनी लाइबिलिटी के लिए लाइबल रहेगा, वाई की गलती के लिए एक्स लाइबल नहीं रहेगा क्योंकि वो उसका एजेंट नहीं कहलाता, एक्स सिर्फ एलएलपी का एजेंट कहलाता है।
तो इन केस अगर एलएलपी में कुछ होता है तो एक्स लायबल रहेगा, लॉस बियर कर सकता है सर, बट वाई की गलती के लिए एक्स लॉस बियर नहीं करेगा सर, ध्यान रखना सर। एलएलपी भी सिर्फ एक्स के लिए, एक्स की गलती से अगर कुछ होता है तो एलएलपी उसके नुकसान को उठा सकती है सर, ध्यान रखना सर। दो पार्टनर आपस में एक दूसरे से एजेंट नहीं होते एलएलपी में सर, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप में होते थे, एलएलपी में नहीं होते, यही तो बोल रहा है सर। म्यूचुअल एजेंसी, ये देखो सर क्या दिया हुआ है, ऑल द पार्टनर्स विल बी द एजेंट ऑफ एलएलपी अलोन, नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय दिस एक्ट। सिंपल सी बात है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को एक्ट के लिए बाइंड नहीं कर सकता। उसके बाद सर अगला दिया हुआ है एलएलपी एग्रीमेंट, सर ये क्या होता है, वेरी सिंपल, जैसे आप पार्टनरशिप में पार्टनर्स बैठ के एग्रीमेंट बनाते हैं वैसे ही एलएलपी में एलएलपी का एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, प्रोवाइडेड पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, एलएलपी में एग्रीमेंट जो होता है उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी है। उसके बाद अगला देखो सर, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सर वेरी सिंपल, क्या एलएलपी सर लॉ से क्रिएटेड है, यस लॉ से क्रिएटेड है, क्या इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, यस सर सेपरेट लीगल एंटिटी है, सर क्या एलएलपी को बंद करना है वाइंड अप करना है तो थ्रू लॉ ही करना पड़ेगा, यस सर, क्या लोग अगर मर जाएंगे तो एलएलपी बंद हो जाएगी, नहीं सर, पार्टनर्स मर भी जाएंगे तो एलएलपी नहीं बंद होगी। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल इसलिए बोला जाता है सर क्योंकि ये लॉ से क्रिएटेड है, ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, लॉ से क्रिएटेड है, आप इसे जेल नहीं डाल सकते, ये कोई शपथ नहीं ले सकती या ये शादी नहीं कर सकती एलएलपी, ठीक है, यही बोल रहा है सर, ये कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, सॉरी नेचुरल पर्सन नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वेरी सिंपल, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो पेपर से क्रिएटेड है सर, लॉ से क्रिएटेड है सर, ठीक है, लॉ ही बनाया है, लॉ ही खत्म कर सकता है, लोग आए जाए एलएलपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन सर, ठीक है, ये लीगली बना, ये लीगली बनता है सर, ठीक। देखो, इट कैन नॉट सेंड टू जेल, कैन नॉट टेक एन ओथ, कैन नॉट मैरी और cannot get divorce, कैसे हो सकता है सर, ये सब चीजें हो ही नहीं सकती, ये सब उसके साथ हो सकता है सर जो natural person born है, जैसे अपन, LLP एक artificial legal person, ठीक है। उसके बाद अगला देखो सर, common seal, सर common seal क्या होता है, अब ध्यान से सुनना सर, LLP में partners की कोई limit नहीं है, अब मान लो एक LLP में 500 partners है, अब कोई document है तो 500 partners sign करने जाएंगे तो आप समझ के देखो सर, वो document तो गया, तो उस केस में एलएलपी क्या करता है, वो 500 पार्टनर्स के बदले ना एक कॉमन सील क्रिएट कर देता है, जैसे ही वो सील लगती है ये मान के चला जाता है कि जितने भी पार्टनर्स है उस डॉक्यूमेंट में जो लिखा है उससे एग्री कर जा रहे हैं, ये यही बोल रहा है सर, यही बोल रहा है, इट इज नॉट, ध्यान दो सर, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एन एलएलपी टू हैव अ कॉमन सील, जरूरी नहीं है वो कॉमन सील रखे, इट शैल रिमेन अंडर द कस्टडी ऑफ द सम पर्सन रिस्पॉन्सिबल एंड इट शैल इफेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी। अगर कोई एलएलपी, सिंपल है सर, अगर कोई एलएलपी है और उसके पास अपना कॉमन सील नहीं है तो उस केस में दो डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेंगे, अगर कॉमन सील है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर की कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो कम से कम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर को तो साइन करना पड़ेगा, आया समझ। कॉमन सील क्या होता है सर, इतने सारे लोग हैं उन सब के भी आप में एक सील लगा दी जाती है तो ये मान लिया जाता है कि क्या हुआ है, एलएलपी के जितने भी पार्टनर से इस एग्रीमेंट या इस डॉक्यूमेंट से एग्री करते हैं, ठीक। उसके बाद सर लिमिटेड लाइबिलिटी, सर यही तो इसकी बेस्ट बात है सर, सबसे बेस्ट बात तो यही है इसकी कि लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है सर, उनका कभी घर बार नहीं बिकेगा, पर्सनली लायबल नहीं होते सर, याद रखना सर, जितना उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है उतने के लिए ही लायबल होंगे, एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद अगला है सर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, सर डेजिग्नेटेड पार्टनर करते हैं, मिनिमम मैंने आपको बताया सर टू, मैक्सिमम कितना है, कोई लिमिट नहीं है, देखो सर नो मैक्सिमम लिमिट इन एलएलपी। उसके बाद है सर अगला है बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, सर ये बट ऑफ ऐसी बात है सर, हम पार्टनरशिप पे भी पढ़ के आए थे सर, चैरिटेबल पर्पस के लिए आप पार्टनरशिप नहीं बना सकते, पार्टनरशिप आप किसके लिए बना सकते हो सर, बिजनेस के लिए, वही एलएलपी के लिए भी लिखा हुआ है सर। इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट कन्वर्जन इनटू एलएलपी, ये सिंपल सिंपल सर, ये सब पॉइंट्स ना भी पढ़ो तो चलता है। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, सर आजकल तो सब चीजें ई फाइलिंग पे हो रही है गवर्नमेंट की साइट्स पे। फॉरेन एलएलपी, ऐसी एलएलपी जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो पर जिसका बिजनेस इंडिया में हो उसे बोला जाता है सर फॉरेन एलएलपी, ठीक है। उसके बाद अगला देखो सर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी मतलब जहां पर हम एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, अब इनकॉर्पोरेट करते टाइम हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, ये ध्यान से सुनना सर। सबसे पहले देखो सर, ये थोड़ा सा ना थियोरिटिकल पार्ट है, आपको सुनना है थियोरिटिकल, एक बार अच्छे से सुन लोगे ना दिमाग में बैठ जाएगा, बार बार वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। सबसे पहला देखो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सेक्शन 11 क्या बोलता है,
फॉर एन एल एल पी टू बी इनकॉर्पोरेट टू और मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस, दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए, पर्पज क्या होना चाहिए बिजनेस और पर्पज क्या होना चाहिए प्रॉफिट. द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच मैनर विद सच फीस. आपको जरूरत ही नहीं है, बस ये याद रखना रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट के पास हमें फाइल करना पड़ता है कि हम अपनी एल एल पी को रजिस्टर करना पड़ता है. आप बोलोगे सर क्या एल एल पी को रजिस्टर करना कंपल्सरी है? यस. क्या क्या स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है सर? देखो क्या क्या स्टेटमेंट फाइल करते हैं, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट की जरूरत है, ठीक है, मेड आइदर और एडर और एडवोकेट बाय कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर कोई भी बना सकता है, बाय एनीवन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है. फिर ये सब रिक्वायरमेंट दी हुई है, जस्ट थियोरिटिकल पार्ट है, जस्ट रीड कर लेना सर, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता सर, ठीक है. इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल एज फॉर्म एज में प्रिस्क्राइब, नेम बताओ, प्रपोज बिजनेस बताओ, एड्रेस बताओ, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द ईच ऑफ द पार्टनर, कौन कौन पार्टनर है एलएलपी के, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर हुआ डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये बताओ. इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आप ये सब डिटेल्स, सर ये डिटेल थोड़ा बहुत याद होना चाहिए. कई बार एग्जाम में लिखने को आ जाता है कि वॉट आर द थिंग्स टू बी मैंशन इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, तो आपको ये सब नाम दो चार चीजें पता होना चाहिए. वैसे अगर कॉमन सेंस लगाओ तो पार्टनरशिप पे भी ये जनरल पॉइंट्स होते थे, अब सिर्फ एलएलपी है तो वो एलएलपी ऐड हो गया सर. सर्टन अदर इन्फॉर्मेशन, कुछ भी और अदर इन्फॉर्मेशन हो सकती है सर, कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब चीजें भी हो सकती है. इफ अ पर्सन मेकिंग ए स्टेटमेंट डिस्कस्ड अबव अगर गलत बताता है या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो ट्रू नहीं है, तो फिर उस केस में पनिशेबल है सर, इम्प्रिजमेंट अप टू एक्सटेंडेड अप टू 2 years या फिर फाइन 10,000 विच में बी एक्सटेंडेड टू 5 lakh. उसके बाद अगला देखो सर, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है बट एक एक बार सुनते जाओगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा, खुद से पढ़ने की मेहनत नहीं लगेगी सर. इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, देखो सर व्हेन द रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय क्लॉज बी एंड सी ऑफ द सबसेक्शन 11, अभी ऊपर जो पढ़े अपन सर, ये देखो ये वाला, ये दो पॉइंट की बात कर रहा सर, बी और सी, ठीक है. आपने जहां पर स्टेटमेंट वगैरह फाइल किया था रजिस्ट्रार वगैरह को, have been complied with the registrar shall retain the incorporation document and unless the requirement imposed by clause A of the subsection has not been complied with, he shall within a 14 period of 14 days आपका document मिलेगा. document मिलने के 14 days के अंदर register करेगा and give a certificate, आपको 14 days के अंदर दे देगा सर्टिफिकेट. आप बोलोगे सर क्या रियल लाइफ में 14 डेज में मिल जाता है? मेरे से पूछोगे तो मैं बोलता हूँ रियल लाइफ में 14 डेज में सही में नहीं मिलता है, क्योंकि सरकारी अफसर है और आप भी जानते हो सर सरकारी अफसर कैसा काम करते हैं, तो लिटरली 14 डेज में बहुत मुश्किल. सर मैं जहां रहता हूँ वहां तो 14 डेज में नहीं मिलता, हो सकता है बाहर कहीं पर 14 डेज में मिल जाए. उसके बाद देखो रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर दिस 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 सफिशियंट एविडेंस वगैरह चेक करेगा, रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई है कि नहीं, और अगर सही लगा तो वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा. और सर्टिफिकेट जो इशू करेगा वो कंक्लूसिव एविडेंस है, कंक्लूसिव वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था पुख्ता सबूत सर, कंफर्म माना जाएगा कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई है और एलएलपी का अपना एग्जिस्टेंस आ गया, कंक्लूसिव एविडेंस. उसके बाद देखो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंजिंग देयर नेम, देखो क्या बोल रहे हैं, एवरी एल एल पी एज अ रजिस्टर्ड ऑफिस, सबका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जहां पर कोई भी चीजें अगर रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करना है या किसी को भी कम्युनिकेट करना है तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस में करेगा सर. टू विच ऑल द कम्युनिकेशन एंड नोटिसेस मे बी एड्रेस्ड एंड वेयर दे शैल बी रिसीव्ड, अ डॉक्यूमेंट बी सर्व्ड ऑन एन एल एल पी और अ पार्टनर और अ डेजिग्नेटेड पार्टनर देयर ऑफ बाय सेंडिंग इट बाय पोस्ट अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, ये सिंपल सी बातें दी हुई है, ठीक है. ये देखो सर ये अगला पॉइंट दिया हुआ है, एल एल पी में चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज विद द रजिस्ट्रार, चेंज कर सकते हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कंडीशन है जो भी फीस वगैरह है वो फाइल वाइल करके कर सकते हैं चेंज. उसके बाद सर एल एल पी का नेम, सर ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखने वाली चीज है, अभी तक तो प्रोसीजर चल रहा था, ये इंपॉर्टेंट है सर. ये क्या बोलता है देखो सर, एवरी एल एल पी शेल हैव एदर द वर्ड्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और द एक्रोनिम एल एल पी एज द लास्ट वर्ड ऑफ इट्स नेम सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर. मतलब अगर एक्स वाई जेड अगर एल एल पी बना रहे हैं तो उनके नाम के आगे सर एल एल पी होना चाहिए, या तो ये फुल फॉर्म में हो या शॉर्ट में हो. तो आप बोलोगे सर क्या हम एल एल पी की पहचान इससे कर सकते हैं कि उसके नाम के आगे एल एल पी लिखा होगा या शॉर्ट में एल एल पी लिखा होगा? यस सर, ये बहुत बढ़िया पहचान है सर. नो एल एल पी शैल बी रजिस्टर्ड बाय नेम वेयर विच इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनडिजायरेबल, पापा की परी एलएलपी ऐसे टाइप की एलएलपी नहीं बना सकते, ठीक है, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए. आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स, किसी और के साथ मैच नहीं होना चाहिए या एकदम उसके नाम से एकदम मैचिंग या आसपास ऐसे टाइप से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये होता है तो सर फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा. जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सर, नोकिया नोकला सर ऐसे नहीं बना सकते सर, एकदम टू क्लियरली बहुत पास पास है, कोई भी आदमी देखेगा तो उसको ऐसा एक बार में तो यही लगेगा कि अरे दोनों सेम है. तो ये यही बोल रहे सर, आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स वाले भी नहीं कर सकते हो आप सर, ठीक है.
उसके बाद देखो सर रिजर्वेशन ऑफ नेम, एक चीज याद रखना सर, किंग क्वीन रॉयल ये सब भी नहीं कर सकते सर, ये सब हम पार्टनरशिप में भी समझते हैं कि किंग क्वीन रॉयल ये सब चीजें हम यूज नहीं कर सकते, ठीक। रिजर्वेशन ऑफ नेम सर, अगर आपको एलएलपी में नाम रिजर्व करना है तो देखो सर, अ पर्सन में अप्लाई इन सच फॉर्म एंड मैनर, जो भी फॉर्म वगैरह, द प्रपोज नेम ऑफ द एलएलपी जो आप रखना चाहते हो, एंड नेम टू विच एलएलपी प्रपोजेस टू चेंज इट्स नेम, या तो आप पहली बार अपने एलएलपी का नाम सिलेक्ट कर रहे हो या तो फिर नाम चेंज कर रहे हो। अगर ये आप एप्लीकेशन देते हो रजिस्ट्रार को प्रिस्क्राइब फीस के साथ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस मैटर दैट द नेम टू बी रिजर्व इज नॉट वन विच हैज बीन रिजेक्टेड, रिजेक्टेड नहीं होना चाहिए। अभी अपन पढ़ के आए आइडेंटिकल, टू नियरली रिजेंबल, अनडिजायरेबल, ऐसे नाम नहीं होना चाहिए। रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार, सेंट्रल गवर्नमेंट उस नाम को रिजर्व करके रखेगी फॉर द 3 months, जब से रजिस्ट्रार किसको बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि भाई एलएलपी ने अपना नाम बदलने के लिए या कोई नई एलएलपी आई है इस नाम से, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे और 3 महीने तक उसको क्या करके रखेंगे, रिजर्व करके रखेंगे। अगला देखो सर, चेंज ऑफ नेम, अगर चेंज कर रहे हो तो वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट द एलएलपी हैज बीन रजिस्टर्ड वेदर थ्रू इनएडवर्टेंस एडवर्टेंस और अदरवाइज और वेदर ओरिजिनली और बाय चेंज ऑफ नेम अंडर अ नेम देन रिफर्ड, अगर अनडिजायरेबल है, ये वही दिया हुआ है सर सबसेक्शन 215, ये वही है सर अनडिजायरेबल या फिर ऐसा टू आइडेंटिकल टू नियरली रिजेंबल्स, तो इन सब केसेस में था सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट सच एलएलपी टू चेंज इट्स नेम एंड द एलएलपी शैल कंप्लाई विद सच डायरेक्शन विद इन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ डायरेक्शन ऑन विच और सच लॉन्गर पीरियड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अलाउ। सिंपल सी बात याद रखना सर, अगर किसी एलएलपी का नाम सही नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बोल सकती है कि भाई 3 महीना दे रहे, 3 महीने के अंदर नाम चेंज कर ले, या तो हायर पीरियड भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट ये मिनिमम 3 months तो दे ही रहे हैं सर। अगर कोई भी एलएलपी कंप्लाई करने में डिफॉल्ट करती है तो सर वही बात है, 10,000 से 5 लाख तक एक्सटेंड कर सकते हैं पेनल्टी, और अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर 10,000 से 1 लाख तक की पेनल्टी एक्सटेंड हो सकती है सर। रिलेशन पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन सर, अब भी अपन पढ़ के आए सर, क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होगा? नहीं सर, एलएलपी के केस में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट कभी नहीं होता। देखो सर, एलिजिबिलिटी ऑफ द पार्टनर ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी, द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ये सब दिया हुआ है सर। इसके बाद देखो रिलेशन ऑफ पार्टनर्स सर, सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर ऑफ एन एलएलपी एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर शैल बी गवर्न्ड बाय द एलएलपी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। सर वो जो एग्रीमेंट में लिखेंगे वो एग्रीमेंट की बातें कंप्लाई होगी, अगर एग्रीमेंट इनका साइलेंट है एलएलपी में तो फिर एलएलपी एक्ट की बातें अप्लाई हो जाएगी, ये ध्यान रखना सर। पहली बात, जो एग्रीमेंट में लिखते हैं वो एग्रीमेंट की बातें चलेगी पार्टनर्स और एलएलपी के बीच में, अगर एग्रीमेंट कोई बात पे साइलेंट है तो बड़ा वैसे बात है सर, उस केस में एलएलपी एक्ट अप्लाई हो जाएगा सर। यही चीज मैंने आपको पार्टनरशिप में भी बताई थी। इसके बाद जो ये दिया हुआ है सर, एलएलपी एग्रीमेंट और डिस्चार्ज वगैरह, ये जस्ट रीड करने वाली बात है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मत पढ़ो, ये जरूरत नहीं है सर। सीजेशन ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, देखो सर ये पॉइंट देख लो, अ पर्सन में सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एन एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट विद अदर पार्टनर और इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर एज टू द सीजेशन ऑफ बीइंग अ पार्टनर बाय गिविंग नोटिस। कोई भी पार्टनर को अगर पार्टनरशिप में अपना इंटरेस्ट कम करना है या सीज करना है तो उसे नोटिस देना पड़ेगा नॉट लेस देन 30 days टू द अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू रिजाइन एज अ पार्टनर। कोई पार्टनर अगर रिजाइन करना चाहता है तो उसे 30 days पहले नोटिस देना पड़ेगा सर। पार्टनरशिप में भी हम ये पढ़े थे कि रेजिग्नेशन के केस में पब्लिक नोटिस जरूरी है, वहां डेज मेंशन नहीं था, एलएलपी में डेज मेंशन है कि 30 days, ठीक है ध्यान रखना। अ पर्सन शैल सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, कब कब वो सीज हो जाएगा और नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। देखो सर, सबसे पहले बाय डेथ और डिसॉल्यूशन, बट ऑब्वियस बात है सर, डेथ हो गई या एलएलपी डिसॉल्व हो गई तो फिर नोटिस की क्या जरूरत है। इफ ही इज डिक्लेयर्ड ऑफ एन अनसाउंड माइंड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट सर, बट ऑब्वियस बात है कोर्ट किसी को अगर अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करती है तो खुद ही खुद कोर्ट उसको न्यूज़पेपर में डिक्लेयर कर देती है कि भाई ये अनसाउंड माइंड का है, या ये हैज बीन अप्लाइड एज एन एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, या तो वो बोल रहे कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर या तो अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली बात है सर, उस केस में भी कोर्ट क्या होता है, जैसे किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करती है न्यूज़पेपर में नोटिस दे देती है तो अलग से पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती सर। बट याद रखना, अगर आप खुद रिटायर हो रहे हो तो आपको 30 days की नोटिस देना पड़ेगा। When a person ceases to be a partner of the LLP, the former partner is to be regarded in relation to any person dealing with is still being a partner unless the person, ध्यान दो सर, the person has noticed that the former partner has ceased to be a partner and noticed that the former partner has ceased to be a partner has been delivered to the registrar. याद रखना सर, अगर आपने नोटिस नहीं दी
अगर रिजाइन करने के बाद आप नोटिस नहीं दी तो ये मान के चला जाएगा कि आप अभी भी पार्टनर हो, और ये तब तक माना जाएगा जब तक आपने फॉर्मर पार्टनर को नोटिस नहीं दिए और दूसरा रजिस्ट्रार को नोटिस नहीं दी। दो लोगों को नोटिस देना सर, फॉर्मर पार्टनर और रजिस्ट्रार, नहीं तो आप अभी भी पार्टनर ही माने जाओगे, ये चीज का ध्यान रखना। अगला देखो सर, द सीजेशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम एलएलपी डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर फ्रॉम ऑब्लिगेशन। सर आप डिस्चार्ज नहीं होगे सर, डिस्चार्ज तो तभी होगे जब तक आप पार्टनर थे, उस टाइम पीरियड तक जितनी भी एलएलपी ने लाइबिलिटीज इनकर की है वो लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया जाए, अकाउंट सेटल कर दिया जाए, तभी आप डिस्चार्ज होगे सर। वेयर अ पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड मतलब आप एग्रीमेंट में लिख के कुछ और बात नहीं बोल सकते हो, अगर आपका एग्रीमेंट साइलेंट है तो एलएलपी की एक बात होती है। द फॉर्मर पार्टनर और द पार्टनर एंटाइटल टू शेयर इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द फॉर्मर पार्टनर शैल बी एंटाइटल टू रिसीव फ्रॉम द एलएलपी एन अमाउंट इक्वल टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इज राइट शेयर इन द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। बहुत सिंपल सी बात हो रही है सर, बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी पार्टनर जब पार्टनरशिप एलएलपी से सीज हो जाएगा, मतलब पार्टनर होना बंद रहेगा, तो जैसे ही वो रिटायर हो जाएगा तब तक जब तक वो पब्लिक नोटिस दे रहा है तब तक के टाइम पीरियड तक उसका जो भी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो भी प्रॉफिट है, वो सब लेके जाएगा सर। याद रखना पब्लिक नोटिस देना जरूरी है सर, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला देखो, अ फॉर्मर पार्टनर और अ पर्सन एंटाइटल टू शेयर इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द फॉर्मर पार्टनर शैल नॉट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ द एलएलपी। सर डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इंटरफेरेंस नहीं करेगा, अगर इंसॉल्वेंसी हो गई तो भी जो पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ है भले वो पार्टनर था पर वो क्या हो जाएगा, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, तो ये पर्सन भी क्या नहीं कर सकता सर, इंटरफेयर नहीं कर सकता एलएलपी में। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनर सर, एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म एनी चेंज इन द नेम एंड एड्रेस विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ सब चेंज। याद रखना सर, कोई पार्टनर चेंज कर रहे हो, नेम चेंज कर रहे हो, एड्रेस चेंज हो रहा है तो 15 डेज के अंदर हमें बताना पड़ेगा। अ एलएलपी शैल वेयर अ पर्सन बिकम्स और सीजेस टू बी पार्टनर फाइल अ नोटिस, हम पढ़ के आए सर ऊपर, विद इन 30 डेज जब से सीज हुआ है, या तो अगर आप चेंज कर रहे हो तो उस केस में चेंज के केस में भी 30 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है, जब से चेंजेस हुए तब से 30 डेज के अंदर आप रजिस्ट्रार को बता दो सर, ठीक है। उसके बाद सर सच पी साइन डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, इनकमिंग पार्टनर, ये सब दिया हुआ है। अगर आप गलती करते हो सर, नोटिस नहीं देते हो तो पनिशेबल है सर, एलएलपी 2,000 से 25,000 तक, और पार्टनर जो कॉन्ट्रावेंशन करेगा उसके लिए भी 2,000 से 25,000 तक। याद रखना सर, अ पर्सन, ये ध्यान दो सर, अ पर्सन हु सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी में हिमसेल्फ फाइल विद द रजिस्ट्रार, ऐसा जरूरी नहीं है कि एलएलपी ही फाइल करेगी या बाकी पार्टनर्स फाइल करेंगे, वो चाहे तो खुद भी फाइल कर सकता है रजिस्ट्रार को नोटिस कि भाई मैं पार्टनरशिप से रिजाइन हो रहा हूं। इफ ही हैज अ रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट द एलएलपी मे नॉट फाइल द नोटिस विद द रजिस्ट्रार, इन सच ए केसेस नोटिस विल बी फाइल्ड बाय द पार्टनर, ठीक है। द रजिस्ट्रार इन सच ए केस द नोटिस फाइल्ड बाय द पार्टनर, द रजिस्ट्रार शैल ऑब्टेन अ कंफर्मेशन टू दिस इफेक्ट फ्रॉम द एलएलपी अनलेस द एलएलपी हैज आल्सो फाइल्ड अ नोटिस। सर रजिस्ट्रार जो है वो एलएलपी से कंफर्म करेगा, बहुत सिंपल सर। हाउएवर नो कंफर्मेशन गिवन बाय द एलएलपी विद इन 15 डेज द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर दैट द पर्सन सीजिंग टू बी अ पार्टनर। अगर एलएलपी ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया तो जो रजिस्ट्रार है, जिस पर्सन की नोटिस रिसीव हुई है कि भैया मैं एलएलपी से रिजाइन कर रहा हूं, उसकी नोटिस के बेसिस में ये मान लेगा रजिस्ट्रार कि ये एलएलपी से रिजाइन हो गया। अगर एलएलपी ने कोई नोटिस नहीं दी कि नहीं भाई हम इसको रिजाइन नहीं किए, अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सर एक्सटेंट, अगला देखो सर एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स। सर पार्टनर एज एन एजेंट, ध्यान देना सर वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है सर, ये इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। बाकी कुछ ऊपर जो अपन पढ़े थियोरिटिकल था, जस्ट एक बार सुनने का था सर। एवरी पार्टनर ऑफ एन एलएलपी इज फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द एलएलपी द एजेंट ऑफ एलएलपी, सर वेरी इंपॉर्टेंट, किसका एजेंट है, एलएलपी का, बट नॉट ऑफ द अदर सर, प्लीज सर प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बस गलत मत करके आना एग्जाम में, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है सर, कि जहां पर वो पार्टनर एजेंट किसका कहलाएगा सर, एलएलपी का कहलाएगा, बाकी दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना सर। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी, एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर इन डीलिंग विद अ पर्सन इफ द पार्टनर हैज डन इन नो अथॉरिटी, अगर कोई अथॉरिटी नहीं थी एंड डज नॉट नो दैट ही इज अथॉरिटी एंड द पर्सन हु नोज दैट ही इज नो अथॉरिटी और डज नॉट नो और बिलीव इट टू बी सीज टू बी अ पार्टनर। सर मैं आपको समझाता हूँ सर, एकदम सिंपल सी बात है सर, एलएलपी कोई भी पार्टनर के एक्ट के लिए तब तक लायबल नहीं होगी अगर वो पार्टनर कोई अथॉरिटी, जो उसके पास अथॉरिटी नहीं है उससे अगेंस्ट वो काम करे। मान लो एक पार्टनर के पास सेल की अथॉरिटी नहीं थी और वो सेल करना स्टार्ट कर दे तो एलएलपी लायबल नहीं होगी, पहला केस। दूसरा, अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो अपनी अथॉरिटी पे काम नहीं कर रहा है और सामने वाले को पता है कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो
उस केस में भी फिर एलएलपी लायबल नहीं होगी, क्योंकि एलएलपी बोलेगी भाई जब तेरे को पता था उस बंदे के पास अथॉरिटी नहीं है तो तू उसके साथ मिलकर काम क्यों किया। आया समझ? देखो सर प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से आता है सर। द एलएलपी इज लायबल फॉर अ पार्टनर ऑफ एन एलएलपी, एलएलपी इज लायबल टू एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑन हिज पार्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द एलएलपी और विद इन हिज अथॉरिटी। याद रखना सर, कोई पार्टनर अगर कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया उसके रॉन्गफुल एक्ट के लिए भी एलएलपी लायबल रहेगी, प्रोवाइडेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए और प्लस उसके अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए। सर या तो इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो चलेगा, एलएलपी लायबल रहेगी, अगर उसके अथॉरिटी के अंदर है तो भी चलेगा, एलएलपी लायबल रहेगी। पर याद रखना सर, अगर अगेंस्ट द अथॉरिटी अगर कोई पार्टनर काम करता है तो फिर एलएलपी लायबल नहीं रहेगी, ठीक है? और या तो सामने वाले को नॉलेज है तो भी एलएलपी लायबल नहीं रहेगी। सर प्लीज ध्यान देना, यही से क्वेश्चन आता है। एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी वेदर अराइजिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज शैल बी सोली द ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी। सिंपल सी बात है, द लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी शैल बी मेड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलएलपी। मैंने आपको बताया सर, सेपरेट लीगल एंटिटी है एलएलपी, अपनी एसेट्स लेगी, अपनी लायबिलिटी पे ऑफ करेगी, पार्टनर को नहीं पकड़ सकती सर वो, इसीलिए तो लिमिटेड लायबिलिटी है सर। उसके बाद देखो सर, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, सर इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है सर, यही से क्वेश्चन आते हैं। अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, कोई भी पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होगा एलएलपी में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एन ऑब्लिगेशन रिफर टू इन दिस 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 बीइंग बाय रीजन ऑफ अ पार्टनर बीइंग एलएलपी। याद रखना सर, कल के दिन अगर एलएलपी की एसेट 100 रुपए, लायबिलिटी 200 रुपीज है, तो अगर मान लो एलएलपी को 100 रुपीज पे करना है तो वो पार्टनर से नहीं वसूल सकती सर, ये चीज का ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए तो लिमिटेड लायबिलिटी बोला गया एलएलपी के केस में। अगर पार्टनरशिप होता तो वो पार्टनर पर्सनली लायबल होता और उसको अपनी एसेट्स बेच के पे करना पड़ता, ठीक है? उसके बाद देखो, शैल नॉट अप्लाई, शैल नॉट अफेक्ट द पर्सनल द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ क्लॉज 27 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, बट अ पार्टनर शैल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ एनी अदर पार्टनर ऑफ द एलएलपी। सर वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो, किसी दूसरे पार्टनर की गलती के लिए भी दूसरा पार्टनर लायबल नहीं होगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सर, मान लो एक्स की कोई गलती है तो एक्स की गलती के लिए वाई लायबल नहीं होगा, एक्स की गलती के लिए वाई लायबल नहीं होगा। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर, क्या एक्स की गलती के लिए एलएलपी लायबल होगा? हो सकता है, प्रोवाइडेड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया हो, रॉन्गफुल एक्ट हो बट विद इन द अथॉरिटी हो तो लायबल हो सकता है एलएलपी, अदरवाइज एलएलपी भी लायबल नहीं होगा। फिर एक्स अपना पर्सनली निपटे जो उसको निपटना है, ठीक है? उसके बाद अगला देखो सर, होल्डिंग आउट। सर ये हम पहले भी उसमें समझे सर, पार्टनरशिप में एनी पर्सन हु बाय वर्ड स्पोकन और रिटन बाय अ कंडक्ट, कोई अपने कंडक्ट से बताता है कि मैं पार्टनर हूं, भले वो पार्टनर नहीं रहता है, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी प्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इज लायबल टू एनी पर्सन, ठीक है? जो उसके फेथ पे काम करता है उसके लिए वो लायबल रहेगा, बहुत सिंपल ही हम पहले भी पढ़ के आए। इसके बाद देखो सर, वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द सेम एलएलपी नेम, द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम और ऑफ द डिजीज पार्टनर नेम और पार्ट देयर ऑफ शैल नॉट बी टेक इटसेल्फ मेक लीगल रिप्रेजेंटेटिव और इज एस्टेट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द एलएलपी डन आफ्टर डेथ। सर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, अगर कोई पार्टनर मर गया उसके मरने के बाद भी एलएलपी सेम नाम से काम करती है, एलएलपी ने नाम ही नहीं बदला, सेम नाम से काम कर रही है, इट डजंट मीन कि अगर वो सेम नाम से काम कर रही है तो जो मर गया उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं होगा, ऑटोमेटिक पार्टनर नहीं बनेगा, याद रखना सर, याद रखना। अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर आप फ्रॉड करते हो बाय एनी ऑफ इट्स पार्टनर बाय एनी अदर पर्सन, ठीक है, डिफ्रॉड क्रेडिटर्स वगैरह करते हो तो उस केस में सर आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, अगर फ्रॉड करते हो तो, ठीक है, फ्रॉड करते हो तो। उसके बाद देखो सर क्या दिया हुआ है, अब कुछ जस्ट एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट, उसके बाद कुछ थियोरिटिकल बातें चलेगी सर, ध्यान देना। However, in case such act is carried out by the partner, the LLP is liable of the same to the extent partner, unless it is established by the LLP that such act was without the knowledge or the authority of the LLP. Sir, simple सी बात है, without knowledge और अगर authority रहा तो partner गया, अगर within the knowledge रहा या authority के अंदर रहा तो फिर LLP bear करेगी loss. Sir, ये हम पहले ही पढ़ के हैं। उसके बाद आपको ये
ये लाइबिलिटीज दी हुई है, उसको इम्प्रिजमेंट हो सकती है, फाइन हो सकता है, ये दिया हुआ है, जस्ट ये रीड करने वाली बात है सर। उसके बाद देखो सर, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल है, वेयर एलएलपी इज एन एग्रीमेंट और वेयर एलएलपी और अ पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ सच एलएलपी हैज कंडक्टेड द अफेयर्स ऑफ द एलएलपी इन अ फ्रॉडलेंट मैनर, तो सर वो बट ऑब्वियस बात है, अगर फ्रॉडलेंट है तो वो लायबल रहेंगे, जिसके साथ फ्रॉड किया उसको कंपनसेट करेंगे, शैल बी लायबल टू पे कंपनसेशन। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद है विशल ब्लोइंग। सर विशल ब्लोइंग क्या होता है? बहुत सिंपल है सर, सिटी बजाना। सिटी कब बजाई जाती है सर? सिटी तब बजाई जाती है जब कुछ गलत हो रहा हो, तब वहां पर सिटी बजाई जाती है सर। सिटी बजा के रोका जाता है। तो देखो सर ये क्या बोल रहा है, द कोर्ट और द ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी लाइबिलिटी अगेंस्ट एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द एलएलपी इफ इज सैटिस्फाइड दैट सच पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन एलपी हैज प्रोवाइडेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच एलएलपी एंड वेयर इन्फॉर्मेशन गिवन बाय सच पार्टनर और एम्प्लॉय लीड्स टू एलएलपी और एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ सच एलएलपी बीन कन्विक्टेड अंडर द, मैं आपको समझाता हूं सर। मान लो कोई एलएलपी, एक एलएलपी है और इस एलएलपी में कोई पार्टनर गलत काम कर रहे हैं, एक एलएलपी है और उस एलएलपी में कोई पार्टनर अगर गलत काम कर रहा है और दूसरे पार्टनर ने सीटी बजाई, या उसी पार्टनर, मान लो वही पार्टनर को लगा कि मैं अगर गलत कर रहा हूं, तो अगर मान लो उसके ऊपर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने इन्वेस्टिगेशन किया और उसके ऊपर जो पेनल्टी लगाई है उस पेनल्टी को रिड्यूस कर देंगे प्रोवाइडेड वो सब यूजफुल इन्फॉर्मेशन बताए, या फिर एलएलपी या कोर्ट की हेल्प करे उस पार्टनर को ढूंढने में जो फ्रॉड कर रहे थे, जिन लोग और लोग इन्वॉल्व थे, अगर ये सब किया तो उसकी पेनल्टी रिड्यूस हो सकती है, वो भी कोर्ट की इच्छा है सर, में लिखा है, जरूरी नहीं है सर, अगर लगता है कोर्ट को तो ही रिड्यूस करेगी सर, नहीं तो नहीं करेगी। नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द एलएलपी में बी डिस्चार्ज डिमोटेड सस्पेंडेड थ्रेटन्ड हरास्ड इन एनी अदर मैनर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द टर्म्स, सर किसी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, डिमोटेड सस्पेंड ये सब आप नहीं कर सकते। सर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर क्या बोलते हैं सर, इनको भी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, कैश बेसिस एक्रूवल बेसिस, सर सिंपल सी बात है, बट ये याद रखना सर इनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेंटेन करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है सर, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी सर ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता है सर कि एलएलपी को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी कितने पीरियड तक रखना पड़ता है सर, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन्हें सबमिट करना पड़ता है, मतलब अपना फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, 31 मार्च के बाद 6 months के अंदर इनको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी मतलब 30 सितंबर तक इन्हें देना पड़ता है, किनको, एलएलपी को, हर साल एवरी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये होता क्या है सर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी इन्हें ये प्रूव करना पड़ता है कि हमारी एलएलपी जो है वो दिवालिया नहीं होने वाली है, उनके पास अभी भी एसेट्स इतनी है कि वो लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकती है, ठीक है, ध्यान रखना सर ये सिंपल सी बात है। इसको रजिस्ट्रार को भी फाइल करना पड़ता है विद कंप्लाइड फीस, ठीक है, ये सब चीजें ऐसे ही है, जस्ट रीड। अगर एलएलपी नहीं देती है ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी तो उसके ऊपर पेनल्टी देखो, डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर पेनल्टीज है। उसके बाद सर एनुअल रिटर्न देखो, एनुअल रिटर्न दिया हुआ है सर एलएलपी का, एनुअल रिटर्न, एवरी एलएलपी शैल फाइल एनुअल रिटर्न और ऑथेंटिकेटेड द रजिस्ट्रार विद इन 60 days ऑफ द क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। सर याद रखना, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उसे 60 days के अंदर इनको फाइल करना पड़ेगा, मतलब 31 मार्च को खत्म हुआ, अप्रैल मई मई एंड 60 days हो जाएगा सर, 60 days के अंदर, विद इन 60 days के अंदर, मतलब मई के एंड से पहले 60 days के अंदर इनको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सर। ये जो एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे वो जो भी फॉर्म वगैरह होगा, जो भी मैनर होगा उस फॉर्म से करेंगे, और अगर फेल टू कंप्लाई है तो फिर पेनल्टी 25,000 से 5 लाख, डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर 10,000 से 1 लाख। उसके बाद अगर कन्वर्ट करना चाहे तो सर कन्वर्जन हो सकता है फॉर्म इंटू एलएलपी, प्राइवेट कंपनी इंटू एलएलपी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इंटू एलएलपी, बट याद रखना पब्लिक कंपनी इंटू एलएलपी नहीं होता सर, पब्लिक कंपनी इंटू एलएलपी नहीं होता, फॉर्म से एलएलपी में जाओ चलेगा, प्राइवेट कंपनी से जाओ चलेगा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से जाओ चलेगा, लिस्टेड पब्लिक कंपनी से एलएलपी में नहीं जा सकते सर, ये चीज का याद रखना, ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो छोटी सी मिस्टेक हो सकती है सर। रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन सर सिंपल सी बात है, द रजिस्ट्रार इन सेटिस्फाइंग रजिस्टर डॉक्यूमेंट वगैरह करेगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा, द एलएलपी शैल विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्म द कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एज द केस में भी विद इट्स रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड हो गए तो बताना पड़ेगा अगर चेंज हुआ है, अगर मान लो कोई भी फॉर्म से एलएलपी में जा रहा है या प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में जा रहा है, तो प्राइवेट कंपनी से जा रहा है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताना पड़ेगा कि भैया हम एलएलपी में जा रहे हैं, और जो रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म है, जो ये एलएलपी का रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म है, उसे भी बताना पड़ेगा कि भाई हम कंपनी में एलएलपी में कन्वर्ट हो गए। ये सब सिंपल सी बात है, जस्ट ये थ्योरेटिकल पोर्शन है सर, इसको जस्ट रीड कर लो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है सर, जस्ट रीड करने वाली बात है। उसके बाद देखो सर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है सर, जिस दिन से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा वो रजिस्टर्ड मान लिए जाएंगे सर,
ध्यान रखना। उसके बाद ऑल एसेट्स लाइबिलिटी वो खुद के नाम से परचेस कर सकते हैं, फिर खुद के नाम से क्या बोलते हैं कोई भी एसेट्स खरीद सकते हैं, लाइबिलिटीज खुद पे ऑफ करेंगे। फिर उसके बाद सर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास अपना रजिस्टर करेंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और कल के दिन डिसॉल्व करना है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को ही बोलेंगे कि एलएलपी का नाम हटा दो। फिर फॉरेन एलएलपी पढ़ा हमने, फॉरेन एलएलपी क्या होता है सर, ऐसी एलएलपी जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो प्लस प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया में। सर वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन, सर ध्यान से देखना सर, ये थोड़ा ध्यान से देखना, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है देखो सर, द वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी में बी एदर वॉलेंट्री और बाय द ट्रिब्यूनल, या तो खुद से एलएलपी डिसॉल्व कर लो या तो ट्रिब्यूनल के थ्रू कर लो। द सर्कमस्टेंसेज इन विच एलएलपी में बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर ट्रिब्यूनल डिसॉल्व कर देगा। देखो सर ट्रिब्यूनल एलपी डिसाइड द एलपी शैल बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल इफ द पीरियड फॉर मोर देन सिक्स मंथ द नंबर ऑफ पार्टनर इन द एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो टू, ठीक है, अनेबल टू पे इट्स डेट, एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, कुछ ऐसा काम किए जो इंडिया के हित पे नहीं है, ठीक है, या फिर डिफॉल्ट इन फाइलिंग द रजिस्ट्रार ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, अपन ने पढ़ के आया सर, विद फॉर एनी 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, 5 साल तक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी फाइल नहीं किया सर, इन्हें हर 6 मंथ्स में फाइल करना है और ये फाइल नहीं किया सर, ठीक है। इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन इन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, सर ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ये एग्जाम में आ सकता है सर, ये पॉइंट्स लिखने को आते हैं कि कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर ट्रिब्यूनल एलएलपी को डिसॉल्व कर सकता है सर, ठीक है। उसके बाद सर मिसलेनियस कुछ ऐसी जनरल सी बातें दी हुई है, बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ अ पार्टनर इन एलएलपी, आप ये ना भी पढ़ो तो भी चलेगा सर, ये सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, सर सिंपल, इसमें इतना याद रखना कि एलएलपी को सब डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास, और जो भी है फीस वगैरह पे करना पड़ता है। एनी डॉक्यूमेंट, ये ध्यान दे दो सर, एनी डॉक्यूमेंट और रिटर्न रिक्वायर टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अंडर दिस एक्ट विद द रजिस्ट्रार, इफ नॉट फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन द टाइम प्रोवाइडेड देयरिन, मे बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार आफ्टर द टाइम अप टू अ पीरियड ऑफ 300 डेज फ्रॉम द डेट विद इन विच हैज टू बी फाइल्ड ऑन द पेमेंट ऑफ एडिशनल 100 रुपीज फीस। 300 डेज तक डिले हो सकता है, बट याद रखना हर दिन का डिले का 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा अगर आपने रजिस्ट्रार को कोई डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल नहीं किया है तो। फ्रेंड्स ये एलएलपी एक्ट था, आपको एलएलपी एक्ट में कोई चीज नहीं समझ आई, कोई चीज में दिक्कत आई तो आप फ्रैंकली पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है सर। एलएलपी एक्ट में सर जितना मैंने बताया उतना ही पढ़ना, एग्जाम पर्पस के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, पूरा एलएलपी मत पढ़ने जाना क्योंकि ज्यादातर प्रोसीजरल और थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो बिंदास पूछो, जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना क्योंकि अभी अपन को कंपनीज पढ़ना है, प्लस उसके बाद सर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, केस स्टडीज लिखना सीखना सर, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर नोट्स लगे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फटाफट अरम इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक। चलो थैंक यू फ्रेंड्स।